I welcome you all to our free introductory class of content writing and SEO writing. My name is Mrs. Reema Zafar. I've been working as a freelancer trainer here in UK since last 4 years. Our last year, same at Digital Leader Centre Kisad as a senior content writer and a proofreader, and I'm here again to start training everyone through this beautiful platform of Digital Leader Centre. My experience so far has shown me that itni zyada aajkal digital skills ki jo immensely growth hui hai aur uski jo demand hui hai, especially since the start of pandemic, because sare jo businesses hai, they've moved towards this online platform. Talking about content writing, I think many of you are familiar with it. Mrs. Zada log isse familiarize honge ki content writing hai kya. But for those jinko ye concept clear nahi hai, what exactly is content writing, because many people do consider or regard this just specifically for writing articles or blog posts. Let me clear you on that and explain you ki content writing, koi bhi certain piece of content hota hai, जो कि जिसका कोई सर्टेन पर्पस के लिए लिखा जाए और वो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाला जाए या उसके लिए लिखा जाए, दैट इज कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में आप सिर्फ ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल्स तो सबको जैसे पता है लिख ही सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती हैं। आप न्यूज लेटर्स लिख सकते हैं, आप क्लाइंट ईमेल्स वगैरह लोग लिखवाते हैं, एड कॉपीज लिखवाते हैं, एंड देयर इज सो मच मोर। लोग अपनी प्रोफाइल्स, वेबसाइट्स के बायोस, आई मीन द लिमिट इज यू नो Horizon is so broad. आपकी लिमिट है, आप सोचे कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, बिकॉज देर इज सो मच यू कुड डू। इसके बेनिफिट क्या है राइटिंग के, इट हेल्प्स यू विद योर कम्युनिकेशन, आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस जो है स्ट्रांग होती है। अगर आपका खुद का कोई वेबसाइट हो या आप किसी क्लाइंट के लिए लिख रहे हैं, तो स्पेशली अगर आप एज अ फ्रीलांसर करें, बिकॉज हम आपको सिखा रहे हैं कि आप सिर्फ अपना ही काम नहीं कर सकते, आप अगर आपका खुद का कोई वेबसाइट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, इफ यू नॉट अ ब्लॉगर, तो आप एज अ फ्रीलांसर किस तरीके से क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं, वो स्पेसिफिकली यहाँ पे सिखाया जाएगा, बिकॉज द अल्टीमेट गोल होता है आपका टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ योर क्लाइंट। अगर उसे पर्सिसिव चाहिए, उसे डिस्क्रिप्टिव चाहिए, विच एवर फॉर्म ऑफ राइटिंग और विच एवर पीस ऑफ कॉन्टेंट रिक्वायर्ड है, आप उसकी उस डिमांड को किस तरीके से अपनी राइटिंग स्किल्स को यूज करके लिख सकते हैं, दैट्स इन इटसेल्फ इज अ स्किल एंड इट्स एन आर्ट। सो इसके लिए आपको ऐसे अल्फाज चुनने होते हैं कि आपकी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट हो। सो इसको मैंने कहा आप यूज करें, अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गर करें, बिकॉज इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आपकी कम्युनिकेशन जो है आपके क्लाइंट से, इट्स ऑल थ्रू online you know, written in emails, through social media, isi tarike se aap clients se deal karte hain, so it all includes, it all adds up as a freelance content writer. Even agar aap Fiverr, Upwork pe jaate hain, people par out, there's like endless platforms hain. Digital Era Center itself ek platform hai freelancing ka, so aap hame bhi join karte hain. Aapko writing zarur aani chahiye, aapke clients se kaam mang rahe hain, उनकी काम अपना काम प्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइटिंग इज एवरीवेयर। सो हमारे प्रीमियम जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसमें हम आपको सिखा रहे हैं बेसिक, होल्ड ऑन, देयर इज अ लिटिल ग्लिच इन माय लैपटॉप एट द मोमेंट, देयर वी आर। सो okay, so in our training program, we're not just teaching you how to write article. Well, article mein aapke paas aa raha hai, resume writing hai, cover kaise likhte hain, difference article aur blog mein bahut se logon ko difference nahi pata, aur nahi pata ki different, I mean sab log samajhte hain it's the same thing, but there are certain differences, aur kuch cheeze hain jinko hame maddenazar rakhna padta hai, और जब हम उसकी SEO की बात करते हैं, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो गूगल की रिक्वायरमेंट को हमें मद्देनजर रख के लिखना पड़ता है। सो बहुत से लोग सिखा रहे होंगे अभी भी, बट आई वुड से स्टिल पीपल डू फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ प्लैजरिज्म। उन्हें समझ नहीं आता कि यूनिक कंटेंट है, प्लैजरिज्म फ्री है, किस तरह लिखे, और अगर लिख भी लेते हैं तो उनको
इंटरनेशनल जो फॉर्मेट्स हैं उसको फॉलो करने की उनके पास गाइडलाइंस नहीं होती हैं. सो वी विल टीच यू थ्रू ऑल ऑफ दैट. बट थोड़ा सा लाउड बोलिए, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है. मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है. आई एम रियली सॉरी. आई डोंट नो. आ रही है लेकिन बहुत हल्की है, थोड़ा सा लाउड है. ओके मिस, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो. ओके okay, because yeah, that's I was saying, many people, they do still face difficulties ke how to create a interesting, engaging, plagiarism free content. So there are some people jinko ye problem hoti hai, and there are people on the other hand jinko aati hoti hai, they know how to do content right. Jab as a, when they go to work as a freelancer, unko kaam bhi mil jata hai, but then again unka kaam for certain reasons reject ho jata hai. Most of the times उन्हें पता नहीं चलता उनका काम क्यों रिजेक्ट हुआ है. बिकॉज वो कहते नहीं, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है. वो छोटी छोटी जो है मिस्टेक्स की वजह से वो क्लाइंट आपका काम मना कर देता है. क्यों? क्योंकि वो गूगल के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं होता है. इस वजह से हम आपको सारी विल हेल्प यू टू ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स, क्या आपको फ्यूचर में कोई ऐसे हर्डल्स का सामना करना ही नहीं पड़ेगा. सो और सबसे बड़ा काम फ्रीलांसिंग के अंदर एक और होता है कि लोगों के पास अगर कि क्लाइंट की वेबसाइट है या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट ले लें, उसमें वो लोग अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखवा रहे हैं. अब उनके पास एक वो पुराना प्रोडक्ट है या उन्होंने उसे अपडेट किया या कोई नया प्रोडक्ट आया, तो वो पुराने क्लाइंट्स अपने ही काम को रीराइट करवाते हैं. जरूरी नहीं वो खाली आर्टिकल ही हो या कुछ भी कॉन्टेंट हो, बिकॉज एवरी सिंगल डे आपका जो है ऑनलाइन मीडिया इज मूविंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड. एवरी सिंगल डे देर आर डिफरेंट चेंजेस, तो उसके हिसाब से हर एक को जो है अपना काम रिन्यू करते रहना पड़ता है, अपडेट करते रहना पड़ता है, विच इज कॉल्ड रीराइटिंग. तो उस पुरानी चीज को ही आप न्यू कैसे कर लें, दैट इज हाउ फ्रीलांसिंग वर्क्स, दैट इज हाउ रीराइटिंग वर्क्स, एंड दैट्स व्हाट वी गोना टीच यू. ओके, मेजर राइटिंग, मेजर जो है राइटिंग कॉन्टेंट के आपको दिख रहे हैं कि कुछ चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं. ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी जो कि आपको कोई नहीं बताता, बट ये सारी कुछ मैंने यहाँ लिखी हुई है, बाकी मैंने नहीं लिखी हुई बुक में. आपको ट्रेनिंग के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगी, बिकॉज इनको सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं है, आपको इन डेप्थ इनको सीखना पड़ता है कि कहाँ पे आप किस तरीके से इनको यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एसईओ. आपने कॉन्टेंट लिख लिया या आपको ऑलरेडी आता था कॉन्टेंट राइटिंग लिखना, मगर अब आपको जो है उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि वो गूगल पे या दुनिया पे शो हो, वरना उसका काम किसी काम का नहीं है. अगर उसके पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, उसकी सेल नहीं हो रही है, उसका काम विजिबल ही नहीं है किसी को. सो एसईओ यहाँ पे आ जाता है एंड इट डज इट्स मैजिक. एसईओ का मैजिक ही ये है कि आपकी एक चीज विजिबल नहीं है, या फिर ये कहने थे फाइल्स के, बहुत सारी फाइल्स के नीचे कहीं दबी हुई है जिसका कोई नहीं पूछता, एसईओ उसको वहां से निकाल के टॉप पे ला के रखती है. इट मेक्स इट विजिबल टू एवरीबॉडी, ताकि आपके जो भी पोटेंशियल क्लाइंट्स हो, कस्टमर्स हो, या हुएवर, इफ इट्स योर ओन वेबसाइट और एनी ब्लॉग और एनीथिंग, तो वो लोगों को विजिबल होता है, एंड दैट्स वेयर यू मेक मनी. सो सिर्फ कंटेंट राइटिंग काफी नहीं होती, उसकी हर चीज की जो कि ऑनलाइन जाती है, जो कि गूगल पे जाती है, उसकी एसईओ 100% इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. दिस इज ऑल्सो नोन एज रैंकिंग व्हेन यू टॉक इन गूगल लैंग्वेज. एंड When you type anything in the search bar, Google के search bar में आप कुछ लिखें तो आपका content फिर top पे appear होता है. कोई भी आप देखें जो first three pages होते हैं Google के, जो ranking material होता है वो वहीं पर दिखता है. उसके आगे जो होता है वो लोग ज्यादा इतना time ही नहीं होता आजकल कि वो किसी 10th पेज पे 12th पेज पे जाकर Google के search करें. So अगर आपका काम rank होके सामने नहीं दिखेगा तो इसका मतलब वो कभी दिखेगा ही नहीं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है बहुत सारे कंटेंट, जो बहुत सारा आर्टिकल हमारे जो है डिजिटल इंडिया सेंटर के रैंक हुए हैं, गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक हुए हैं. और आपका, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, हम आपको डार्क प्रूफ भी दिखा देंगे, उसके अंदर सारे हमारे कंटेंट जो है कहाँ पे रैंक हुए गूगल के. इसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि ये वो चीज़ें हैं जो कि एसईओ राइटिंग, आई डोंट नो अगर कोई सिखा रहा है कि नहीं पाकिस्तान, आपका नो आइडिया. Content writing हर कोई सिखा रहा है, but I would like to say SEO, अगर आपने सीखनी है then do come and join our team.
ओके okay. इसके अलावा अगर आपको क्लाइंट की वेबसाइट का ट्रैफिक बूस्ट करना है, सेल करना है, चाहे उसकी ई कॉमर्स की है या एजुकेशनल वेबसाइट है, डजंट मैटर, आपको हर जगह ये चाहिए. इसके अलावा ये एसईओ राइटिंग की जो स्किल है उससे आप जो है फ्रीलांसिंग करके तब भी कमा सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग करें तब भी आप कमा सकते हैं, क्योंकि हर जगह राइटिंग इज क्रूशल. और एसईओ की मैं बताऊं, इतनी ज्यादा डिमांड है क्योंकि बहुत से लोगों को कंटेंट राइटिंग आती है, एसईओ राइटिंग नहीं आती. सो आप सोच सकते हैं जिस जगह पे नीच, जिस चीज नीच के अंदर बहुत कम लोग होते हैं, अगर वो क्राउडेड नहीं है तो आप सोच सकते हैं उसकी डिमांड कितनी ज्यादा है, और आपका चांसेस, आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस जो है, आपके अर्निंग चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं. क्यों? ज्यादा लोगों को वो आता ही नहीं, गिने चुने 5-10 लोग हैं जिनको आता है, तो क्लाइंट उन्हीं को बार बार अप्रोच करता होता है. सो इधर आपके जो है खुद ब खुद चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपको कंटेंट राइटिंग आती है तो आप एसईओ राइटिंग जरूर सीखें, और अगर आपको कंटेंट राइटिंग नहीं आती तो फिर आप दोनों को एक साथ सीखें. सो दैट सेव्स यू टाइम एंड डबल्स योर अर्निंग चांसेस. इसके अलावा फ्रीलांसिंग अगर आप अपवर्क पर सीखना चाहते हैं, हमारे पास एक बहुत जबरदस्त हमारे ट्रेनर हैं. ही इज एक्सपीरियंस, ही इज प्रोफेशनल, ही इज अमेजिंग. वो आपको सिखा सकते हैं कि आप कोई सी भी स्किल लें उसको आप कैसे अर्निंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो प्लीज डू जॉइन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर ड्रा अगेन ताकि वो आपको कुछ डिटेल्स और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें. सो ओवर टू यू मिस्टर ड्रा. थैंक यू मिस रीमा. अच्छा, कुछ लोगों के, स्टूडेंट्स के जो है वो मैसेजेस आ रहे हैं चैट में कि एसईओ है क्या. एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है. ठीक है, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लें, वो वर्क ही ऑप्टिमाइजेशन पे करते हैं, सर्च इंजन पे करते हैं. सर्च इंजन का मतलब है गूगल, यानी जिसपे आप कुछ भी लिखकर सर्च करते हैं, आप गूगल पे लिखकर सर्च करते हैं. ठीक है, गूगल आपको रिजल्ट दिखाते हैं. अब ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है वो रिजल्ट जो सबसे जो रैंक हो रहे होते हैं वो आपको सबसे ऊपर दिखाते हैं, और जो लोएस्ट रैंक हो रहे होते हैं वो नीचे दिखाते हैं. ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप अपने कंटेंट को, अपनी चीज को ऑप्टिमाइज करते हैं, रैंक कर देते हैं ताकि वो गूगल की सर्च में ऊपर दिखाई दे. दिस इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज. और यही आपको एसईओ राइटिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप अपने आर्टिकल को कैसे रैंक कर सकते हैं. आपने कहीं भी आर्टिकल लिखा है या आप किसी प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट रिव्यू लिख रहे हैं, वो प्रोडक्ट चाहे फेसबुक पे है, चाहे गूगल पे है, चाहे कहीं भी है, उसको आप रैंक कैसे कर सकते हैं कि सर्च करने पे सबसे पहले आप ही का दिखाई दे, वो कैसे होगा. क्योंकि देखिए, जो चीज गूगल की सर्च में सबसे पहले दिखेगी सबसे ज्यादा वहीं पे रिस्पांस आएगा, और इसी तरीके से आप सबसे ज्यादा रिस्पांस ले सकते हैं और अपनी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. आप भी जब गूगल पे कोई चीज सर्च करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पे जो वेबसाइट आती है वहीं आप सबसे ज्यादा क्लिक करते हैं, वहीं से आप कंटेंट रीड भी करते हैं, वहीं से आप सारी वर्किंग करते हैं, बाकी पेजेस की तरफ मुश्किल से ही कोई जाता है. यही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको सिखाया जाता है कि आर्टिकल लिखना तो सबको आता है, हर कंपनी चाहती है कि हमारा आर्टिकल, हमारा कंटेंट सबसे ऊपर दिखाई दे. और फाइवर और अपवर्क पे इस वक्त इस फील्ड में लोग बहुत ही कम मौजूद हैं, अपॉर्चुनिटी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा है. सो ट्रेनिंग के बेनिफिट्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ. लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी हमारी जूम पे, लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डिंग दी जाएंगी. ये 1 month की इन डेप्थ प्रोफेशनल ट्रेनिंग है. इसमें आपको सारी बारीकियां बताई जाएंगी जो कि किसी भी बंदे को 5 से 6 साल इस एक फील्ड में लगाने के बाद जो है वो दिखाई देते हैं. जी मिस अक्सा, आपने कोई कुछ भी पूछना है तो आप चैट में पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर दूंगी. After training, आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री सर्टिफिकेट आपकी ईमेल्स पे. ठीक है, और सेकेंडली हम अपने सारे स्टूडेंट्स को जो है एवरी लेक्चर के बाद एक प्रॉपर आपको जो है असाइनमेंट दिया जाता है, उसी असाइनमेंट पे आपकी बेसिस पे आपकी असेसमेंट होती है. जो भी आप जो है क्लास में सीखते हैं वही आपको असाइनमेंट में दिया जाता है, और इस तरह आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है. इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं वो ट्रेनर आपको सारी चीजें प्रॉपर गाइड करते हैं. ईच एंड एवरी स्टूडेंट को जो है पर्सनली प्रॉपरली गाइड किया जाएगा इस पूरी ट्रेनिंग में.
देखें अगर आपको फिजिकल मतलब आपको हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट, फिजिकल हैंड सर्टिफिकेट नहीं होता, इट्स अ हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट कहा जाता है, ठीक है। इस पे भी अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसका भी मैं आपको जो है बहुत जल्द बता दूंगी। विद इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम ही हो सकता है हम हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट भी इशू करना स्टार्ट करते हैं। सो कोई इशू नहीं है, जिनको हार्ड कॉपी चाहिए हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिन्हें सॉफ्ट कॉपी चाहिए सॉफ्ट कॉपी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी, डिजिटल स्किल्स में आपके सर्टिफिकेट्स डजंट मैटर, योर स्किल्स मैटर। कोई कंपनी आपका एक्सपीरियंस पूछती है, कोई कंपनी यही पूछती है कि भाई आपके पास क्या एक्सपीरियंस है, अपना सैंपल वर्क दिखाइए। आप सैंपल वर्क उसी सूरत में दिखा सकते हैं जब आपके पास काम आपको करना आता है, आपको काम करने की नॉलेज तभी आप दिखा सकते हैं। इवनिंग में सारी क्लासेस होंगी, मॉर्निंग में क्लासेस नहीं होंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस के बाद रिकॉर्डिंग्स भी दी जाएंगी। फर्दर डिटेल्स के लिए, इनरोलमेंट के लिए आप उन्हीं से कॉन्टेक्ट करें जिनसे आपने आज की क्लास का लिंक लिया है। कॉन्टेंट राइटिंग की फीस ₹1000 है, SEO राइटिंग की फीस ₹1500 है। ये दोनों डिफरेंट अलग अलग कोर्सेज हैं, ये एक ट्रेनिंग नहीं है, ये अलग अलग ट्रेनिंग्स हैं, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। ईच की फीस मैंने आपको बता दी है, कॉन्टेंट राइटिंग की फीस ₹1000 है और SEO राइटिंग की फीस ₹1500 है। जो एनरोल होना चाहते हैं, जहां से आप लोगों ने लिंक लिया है आज की क्लास का, उनसे कांटेक्ट करें, फर्दर डिटेल्स भी आपको वो गाइड कर देंगे। और प्लस आप अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आपको फर्दर एनरोलमेंट का प्रोसीजर भी गाइड कर दिया जाएगा। टिल देन आप सबसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तब तक के अल्लाह हाफिज, ना ख्याल रखिएगा। जी हाँ, 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी मिस, 1 मंथ की ट्रेनिंग होगी। 1 मंथ में आप लोगों को लाइव क्लासेस के बाद हम ऑनलाइन जो है रिकॉर्डिंग भी सॉरी प्रोवाइड करेंगे। 1 मंथ में हम आपको इतना प्रोफेशनली ट्रेन कर देंगे कि आप एटलीस्ट जो है फोन पे एक आर्टिकल, एक ब्लॉग वगैरह लिखने के काबिल जरूर हो जाएंगे। और आप लोगों को मैं बता दूं, इस ट्रेनिंग में आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी जो कि गूगल के क्राइटेरिया के मुताबिक है, क्योंकि गूगल के क्राइटेरिया के मुताबिक ही कंटेंट लिखा जाता है। और गूगल का क्राइटेरिया जो लेटेस्ट क्राइटेरिया है वही आपको सिखाया जाएगा। और एक बिल्कुल मोबाइल से कर सकते हैं, हमारे जितने भी ट्रेनिंग है आप सब मोबाइल से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसके लिए कंप्यूटर लैपटॉप हो। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मोबाइल से भी सब हो सकता है, क्लासेस भी ले सकते हैं, प्रैक्टिस भी ले सकते हैं। आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप काइंडली जो है चैट में पूछ लीजिए, क्लास का वक्त एंड हो रहा है, मैं देख लेती हूँ आपका क्या सवाल है, आप दोबारा पूछ लीजिए, मैं आपको जवाब दे देती हूँ इसका। टाइमिंग देखिए, टाइमिंग का स्केड्यूल प्रॉपरली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टाइमिंग का स्केड्यूल प्रॉपरली मिल जाएगा जब आप एनरोलमेंट करवाएंगे, तो फिर स्केड्यूल भी मिलेगा सारे। अभी मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि इवनिंग में ही क्लासेस होंगे, ठीक है, इवनिंग के बाद। और अगर आप एक से ज्यादा स्किल में भी इनरोल होना चाहते हैं तो आप लोग हो सकते हैं इनरोल। सब क्लासेस के टाइमिंग्स बिल्कुल, सब जितने भी स्किल्स हम प्रोवाइड करें सबके क्लासेस के टाइमिंग डिफरेंट होंगे। मल्टीपल में भी इनरोल होना चाहें तो हो सकते हैं। आप फाइवर पे कैसे काम करना चाहते हैं, उस पर कैसे काम कर सकते हैं, तो ये आपको फ्रीलांस के कोर्स में सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा। हमारे ट्रेनर हैं अपवर्क एक्सपर्ट हैं, ठीक है। अपवर्क सीरियस फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है। वहां पे आपको सिखाया जाएगा कि अपवर्क पे काम कैसे करना है, फाइवर पे काम कैसे करना है, कंपनीज को अप्रोच कैसे करना है, क्लाइंट से बात कैसे की जाती है, वो सारी चीजें वो सिखाएंगे। और इंशाल्लाह अभी 8 बजे उसका सेशन है, आप लोग ज्वाइन करें। फर्दर कोई भी देखिए, अगर जिसको कंटेंट नहीं लिखना आता वो कंटेंट राइटिंग में ले, ठीक है, और फर्दर भी वो वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को कंटेंट राइटिंग के लिए इंग्लिश कमजोर है तो फिर हमारे पास इंग्लिश ग्रामर और फ्लुएंट इन इंग्लिश वो भी कोर्स, वो भी ट्रेनिंग है, क्योंकि कंटेंट राइटिंग इंग्लिश पे ही बेस करती है। इंग्लिश उसके लिए अच्छी होना जरूरी है, नहीं है अच्छी तो ग्रामर का ज्वाइन करें, इंग्लिश अच्छी बेहतर बनाए, कंटेंट राइटिंग सीखें, कंटेंट राइटिंग में आर्टिकल लिखना सिखाया जाएगा वो सब सीखें, आर्टिकल को रैंक कैसे किया जाता है वो सीखें, आप प्रोफेशनल राइटर कहलाएंगे।
फर्दर आपकी कोई क्वेरीज हैं जिनसे आपने लिंक लिए हैं, आप उन लोगों से उनसे बात करें, उनसे अपने क्वेश्चंस को क्वेरीज को क्लियर करें, वो आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए मौजूद है। तो आप उनसे पूछें, ठीक है, हमारा क्लास का टाइम अप हो रहा है, तो आप लोगों से सबसे इंशाल्लाह ट्रेनिंग प्रोग्राम में मुलाकात होती है, प्रॉपर हम आप लोगों को प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो उसी में आप लोगों से फिलहाल मजीद मुलाकात होती है। फीस बहुत अफोर्डेबल है, इतना कि आप लोग आराम से जो है से अफोर्ड कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें टीम चाहिए, हम टीम बिल्ड कर रहे हैं, आप वर्किंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो ट्रेनिंग को लाजमी ज्वाइन करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव।